मधुबनी पीएससी से महज 300 मीटर की दूरी पर चल रहे अवैध नर्सिंग होम में महिला के ऑपरेशन के दौरान हुई मौत से परिजनों में मची चीख पुकार। नर्सिंग होम के संचालक सहित कर्मी हॉस्पिटल छोड़कर हुए फरार। मृत महिला के परिजनों ने किया जमकर हंगामा। बड़ी खबर धनहा थाना क्षेत्र के बासी से आ रही है, जहां धनहा बासी मुख्य मार्ग में स्थित आरएस नामक एक निजी अस्पताल में मंगलवार की रात्रि ऑपरेशन के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई है। वहीं महिला की मौत के बाद अस्पताल के डॉक्टर समेत सभी कर्मी फरार हो गए हैं। इधर घटना की सूचना मिलते ही परिजनों समेत स्थानीय लोगों ने अस्पताल को घेर लिया और जमकर हंगामा शुरू कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस बलों के साथ पहुंचे धनहा थाना अध्यक्ष धर्मवीर कुमार भारती ने आक्रोशित परिजनों सहित स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। थाना अध्यक्ष धर्मवीर कुमार भारती ने बताया कि इस घटना में कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए बगहा अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया है तथा पुलिस इस घटना की जाँच में जुट गयी है। घटना में मृत महिला की पहचान धनहा थाना क्षेत्र के ग्राम तपुआ गाँव निवासी लाल बहादुर चौहान की 38 वर्षीय पत्नी उषा देवी के रूप में हुई है, जो अपने मायके में रह रही थी। वहीं मृत महिला का बच्चा सुरक्षित बताया जा रहा है। इस मामले में मृत महिला के पिता सीताराम चौहान ने फर्द बयान के आधार पर थाना थाना में कांड संख्या दर्ज कराया है, जिसमें हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर समीर आलम, नर्स अंजलि समेत चार अन्य लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। बता दें कि पश्चिमी चंपारण के विभिन्न जगहों पर फर्जी रजिस्ट्रेशन के आधार पर धड़ल्ले से हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा है। जांच के नाम पर सिर्फ कोरम पूरा कर लोगों के जीवन से खेलने की आज़ादी दे दी जा रही है। स्थानीय कुछ लोगों का कहना है कि यदि सरकारी हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं उपलब्ध होती तो आज लोगों के जीवन से खेलने की आज़ादी नहीं मिलती। उक्त हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल से महज 300 मीटर की दूरी पर संचालित होता था, लेकिन किसी को भनक भी नहीं लगी। देखा जाए तो पूरे गंडक पार में निजी हॉस्पिटल अवैध अल्ट्रासाउंड ब्लड जांच करने का खेल जारी है। अब देखना होगा कि कब तक इन फर्जी डॉक्टरों सहित अन्य की जांच कब तक हो पाती भी है या फिर नहीं, या सिर्फ कागजी कोरम पूरा कर लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का लाइसेंस दे दिया जा रहा है। जब उनका डेथ हो गया तो ये लोग मतलब निकलने लगे। हाँ। आपका डाउट हुआ? हाँ, डाउट हो गया था। डाउट हो गया तो आप क्या की, पहले पेशेंट के पास गए? हाँ, पेशेंट गए तो मतलब देख लीजिए हालत। हम बोले थे डॉक्टर साहब, देखिए उनका मतलब सांस नहीं चल रहा है, किस तरह से दिवस है। तो डॉक्टर बोले थे नहीं, ऑक्सीजन लगाए हैं हम। ठीक, ऑक्सीजन मतलब लगता है तभी सांस चलता है ना। तो बोले थे नहीं, सांस नहीं चलता है। तो अभी मतलब डाउट हो गया अंदर, तो मतलब बहलाव फुसलाव लग ले। हाँ, बहलाव फुसला। तो डॉक्टर बोला कि रुकिए, हम गाड़ी चारपाइया लाने जा रहे हैं, उनको लेकर चलेंगे जिला पे, तुम भी लेकर जाओ। हम को नहीं है, देखिए हम नहीं लेकर जाएंगे। जब ऑपरेशन आपके हैं तो आपको साथ में चलना पड़ेगा ना, जहाँ मतलब जाना होगा तो आप लेकर जाइए। तो बोला कि ठीक है, रुकिए, तब गाड़ी लेकर आ रहे हैं। मतलब हम डॉक्टर मतलब सोचे पकड़ने के लिए, मतलब सोच रहे थी, लेकिन तब तक लोग निकल गए सब चारों स्टाफ। हाँ, चार, महिला विभाग गाड़ी से भाग गई, पैदल भाग गए महिला, जो मतलब पैदल भाग कर गई थी। हाँ, मतलब बात गाड़ी से गई होगी। हाँ, डॉक्टर कैसे? गाड़ी से गए, मोटरसाइकिल से गए? नहीं, फोर व्हीलर से। फोर व्हीलर? हाँ, बोलोरो था। हाँ, बोलोरो था। आपका नाम? रंजू देवी। आप परिजन का? परिजन का।